नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पूर्वांचल में अपने आतंक खौफ दबंगई से लोगों को दहलाने वाले माफिया मुख्तार अंसारी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया है। ना उसका काला साम्राज्य बचा, ना उसके खूंखार इरादे। मुख्तार के साथ साथ उसकी काली दुनिया भी दफन हो चुकी है। मुख्तार अंसारी के आतंक से जुड़े तमाम किस्से ऐसे हैं जिन्हें सुनने से लोगों का एक वक्त पर दिल दहल जाया करता था। आज उसके अंत पर उसे नेस्तनाबूद करने वाले भी गर्व महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह का। शैलेंद्र प्रताड़ना झेलने के बाद भी इस खूंखार माफिया का सामना करते रहे। जिस सिस्टम में मुख्तार की तूती बोलती थी, उसी सिस्टम का सामना करके शैलेंद्र ने उसके खिलाफ पोटा लगाया था। रुके नहीं, झुके नहीं, डटे रहे, इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके खिलाफ बोलना बंद नहीं किया। उन्हीं के साहसों की वजह से मुख्तार सलाखों के पीछे पहुंच पाया। शैलेंद्र सिंह के अलावा एक और धाकड़ पुलिस अफसर हैं जिन्होंने मुख्तार पर सबसे पहले एक्शन लेने की हिम्मत दिखाई थी और मुख्तार के राइट हैंड को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस होनहार अफसर का नाम है अनिरुद्ध सिंह। पब्लिक के लिए दोस्त, गुनाहगारों के लिए काल, डिपार्टमेंट के लिए सच्चा ऑफिसर और सरकार के लिए अच्छा ऑफिसर। अनिरुद्ध की इसी साहस और ईमानदारी का नतीजा है कि उन्होंने पेट में गोली खाई, लेकिन दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाने तक हार नहीं मानी। खून बहता रहा, लेकिन मुख्तार के राइट हैंड और उसकी गैंग के शूटर जुन्ना राय को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद ही चैन की सांस ली। इसलिए तो अनिरुद्ध सिंह को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अनिरुद्ध सिंह ने अब तक ऐसे ऐसे मुश्किल केस चुटकियों में सुलझाए हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब वो वाराणसी में थे तो मुख्तार के शूटर्स के लिए बुरे सपने की तरह थे। जब वो जौनपुर आए तो नक्सलियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए। जब वो बदायूं आए तो गरीबों का हमदर्द बन गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी किसी और कहानी से शुरू होगी तो बेमानी होगी, इसलिए इसकी शुरुआत करते हैं एनकाउंटर की कहानियों से। और उनके खाते का पहला एनकाउंटर हुआ उनकी पहली पोस्टिंग के दौरान पूर्वांचल के केंद्र वाराणसी में। वो साल था 2005 का। हम जिस जगह नौकरी शुरू किए पूर्वांचल में, वहाँ पे क्या है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक माफिया है, उसके बहुत सारे शूटर्स हैं, बहुत सारे सपोर्ट पेस पोस्ट लोग हैं जो वसूली करते हैं, धमकाने वाले अलग, वसूली वाले अलग, और गोली चलाने वाले, हत्या करने वाले शूटर्स अलग। इस तरीके की पूरी उनकी ऑर्गेनाइज गैंग होती थी। क्राइम पे काम जब आप करते हैं तो बहुत सारी तैयारी होती है, मुखबिर होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है क्रिमिनल के बारे में, कौन कहाँ कैसे रुकता है, किस टाइप के क्राइम की, पूरी बैरियर उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जुटाई जाती है, फिर उस ऑपरेशन पे काम स्टार्ट किया जाता है। तो बहुत सारे टारगेट्स एक साथ हो जाते हैं जैसे काम जब आप करते हैं। एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊं याद आ रहा है, बनारस में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनको बहुत लेट एज में एक बेटा हुआ था जिसकी किडनैप करके जला के केरोसिन से टुकड़े करके हत्या कर दी गई थी। उस बच्चे की खोपड़ी लेके गाँव में कुत्ता पहुँच गया तो हड़कंप मच गया कि ये बच्चे की कौन है। तब पता चला कि ये शाश्वत और गोपू पांडे बच्चे की जो हत्या हुई है वो है, जबकि उनके पिताजी से रैंसम कॉल जा रही थी, उनसे मांगा जा रहा था पैसा कि किडनैप कर लिया है। वो अपराधी उनसे मुकदमा उठाने के लिए, धमकाने के लिए आया, हम लोग पूरा ट्रैप किए थे, जाल बिछाए थे, और जब घेरा तो एक्सचेंज ऑफ फायर में, क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया। बहुत ही दुर्दांत था, बिहार का अपराधी था। तो इस तरीके से जब उसका ट्रायल चलता था, आपको बताऊँ मैं उस समय आया ही आया था नौकरी में, तो हजारों महिलाएं बनारस में तहसील में आके ट्रायल सुनने आती थी और रोने लगती थी, भावुक हो जाती थी, इस तरीके का माहौल था। गोली जिस्म के आर पार हो गई है, पेट से खून की धार बह रही है, लेकिन एक पुलिस वाला शूटर का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और उसका एनकाउंटर कर देता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बता रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह के नौकरी ज्वाइन करने के चौथे साल में पहले एनकाउंटर से उनका सामना हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर के लिए जश्न मनाने का वक्त हो सकता है।
लेकिन अनिरुद्ध सिंह के फर्ज ने उन्हें ये मौका बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि इस एनकाउंटर के कुछ ही दिनों बाद उनका सामना एक ऐसे गैंग से होने वाला था जिसकी सियासत और जुर्म दोनों में बहुत गहरी पैठ थी, जिसके गुर्गों को शूट करना तो दूर, हाथ डालने में अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर के पसीने छूट जाते थे। वो मुख्तार अंसारी का गैंग था जिसके शार्प शूटर झुन्ना राय की मौत अनिरुद्ध सिंह की गोली ने मुकर्रर की। तो मुझे सूचना मिली तो मैं खाना खा रहा था, रात की बात थी, और अपराधी निकल ना जाए, जैसे कहते हैं ना कि एक एक, एक उम्र का जोश, एक काम करने का जुनून भी रहता है, मैं बाइक उठा के अकेले चला गया और अपनी टीम को आने के लिए मैंने कहा कि आ जाओ। बनारस में एकदम कैंट स्टेशन के सामने की बात थी। जब तक मेरी टीम पहुंचती तो वो बंदा सामने ही आ गया, वो जो क्रिमिनल था। मैंने उसको पकड़ लिया, हमारी उसकी गुत्था गुत्थी होने लगी, भीड़, तमाम पब्लिक देख रही थी तमाशा वहाँ। मैंने कहा भी कि बगल में पुलिस चौकी है रोड पे, तो आप वहाँ से पुलिस फोर्स को बुला दें। लेकिन लोग समझते तब तक तो वो लोडेड पिस्टल रखा हुआ था, निकाल के उसने फायर कर दिया, हमारे पेट में गोली लगी, पार कर गई मैं और वो भाग लिया। मैंने हाथ रखा और मैं दौड़ा के उसको कम से कम 200 मीटर एक्सचेंज ऑफ फायर में वो क्रिमिनल मारा गया, और दो पब्लिक को भी उसमें गोली लगी थी, उनका भी इलाज हुआ और वो हम तीनों बच गए और क्रिमिनल मारा गया। उसका नाम झुन्ना राय था, गाजीपुर का रहने वाला था, मुख्तार का शूटर। अनिरुद्ध ने ही सबसे पहले मुख्तार अंसारी की कमर तोड़ने की शुरुआत की थी, उसके बाद यूपी में तमाम ऐसे बदमाशों को ढेर किया जिनके आतंक से जनता परेशान थी। ये अनिरुद्ध सिंह के साहस की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। इसमें एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म का नाम था गन्स ऑफ बनारस, वो पिछले साल लॉकडाउन से पहले रिलीज हुई, इतफाक से हफ्ते भर ही नहीं चल पाई थी सिनेमा हॉल में, तब तक लॉकडाउन लग गया, तो क्राउड कंट्रोल नहीं हो रही थी। जो बनारस क्या पूरा पूर्वांचल का या यूपी का कह लीजिए, रतिशंकर त्रिपाठी हैं जो देखते हैं शूटिंग का अरेंजमेंट, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया आप आ जाएंगे तो भीड़ कंट्रोल हो जाएगी, इनसे जो दरोगाजी से आपके सिपाहियों से नहीं हो रहा है। तो मैं उतरा, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट है ऊपर की, ऊपर वाली की दया से, तो जैसे ही उतरा मैं चश्मा लगाया था रेगन का, तो रोड पर ही शूटिंग चल रही थी, तो वो लगा था कैमरा, तो डायरेक्टर ने, मैं वहाँ से गुजरा तो फ्रेम में आ गया डायरेक्टर के। अब वो सीन तो हो गया, पब्लिक भी भाग गई देख के, हम पहुँचे वहाँ, हट गए लड़के सब। फिर वो डायरेक्टर मुझे बुलाए, प्रोड्यूसर आए पहले मुझे, प्रोड्यूसर भी काफ़ी बड़े इंसान हैं, रिक्कू राकेशनाथ, वो बोनी कपूर से लेकर अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, सबके पीए हुआ करते थे, उन्हीं का बेटा उसमें मेन लीड में था। वो लेके गए कि हमारे डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, हम गए मिलने। इस समय बनारस में कमिश्नर साहब ने सतीश गणेश साहब DIG थे, अजय मिश्रा साहब कप्तान थे, उन्होंने कहा मैं आपसे एक कैरेक्टर कराना चाह रहा हूँ पुलिस का, मुझे आप पहला आपका वो जो कहते हैं ना एंट्री ही बहुत फिल्मी हो गई मेरे कैमरे में। तो फिर मैंने सर से पूछा, फिर उन्होंने परमिशन दिया, एक करके उन्होंने एक बनारस गन्स ऑफ बनारस में दो छोटे छोटे सीन क्रिएट किए उन्होंने, दो या तीन वहाँ से। फिर उन्होंने एक अगली तेलुगु फिल्म की, तो उसमें एक रियल स्टोरी पे बेस्ड थी, बम्बई के डॉक्टर की एक उसके ऊपर बेस्ड थी, डॉक्टर चक्रवर्ती फिल्म करके, उसमें उन्होंने एक पुलिस अफसर का कैरेक्टर दिया मुझे, वो किया मैंने। फिर एक वेब सीरीज अभी रिलीज हुई द रेडलैंड, और एक भुज बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है संजय दत्त, अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा की, 71 की युद्ध पे बनी हुई है।